Hello friends, welcome to the channel Solution. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारफोइ टेस्ट क्या होता है और बार्फॉइड टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है उसको एनिमेशन के थ्रू तो आइए शुरू करते हैं बारफाइड टेस्ट भी हम रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं मीन्स बारफाइड टेस्ट भी जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है रेड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी सैंपल में जैसे बेनेडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेकिन बारफोइ टेस्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाता है रेड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए विद दी रेड्यूसिंग डायसेक्राइड्स मीन्स बेनेडिक टेस्ट या फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करके हम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में रेड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है लेकिन अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो रेड्यूसिंग शुगर है वो मोनोसेकर टाइप है या डाई है तो हम बार टेस्ट परफॉर्म करके उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आइए जानते हैं किस तरीके से बार टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम दो एम एल बार ऐड करेंगे पिपेट की मदद से दो एम एल बारफर्ड रिएजेंट ऐड करने के बाद हम इस बारफेड री एजेंट में दो एम टेस्ट सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे दो एम टेस्ट सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को वाटर बाथ में बॉईल करेंगे लगभग एक से दो मिनट के लिए एक से दो मिनट तक वाटर बाथ में बॉईल करने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब में ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है इट मीन्स टेस्ट सॉल्यूशन में मोनोसेकर प्रेजेंट हैं मीन्स रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है जैसे कि ग्लूकोस या फ्रक्टोस बारफ़ोइड रिएज़न किस तरीके से बनाया जाता है इसका प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं बारफ़ोइड रिएजेंट कॉपर एसिटेट का सोल्यूशन होता है जिसको ग्लैसेल एसिटिक एसिड में बनाया जाता है और इस टेस्ट में दो चीजों का ध्यान रखा जाता है मीन्स दो चीजें कंट्रोल की जाती है एक तो पीएच और दूसरा टाइम ऑफ हीटिंग मींस एक से दो मिनट ही उसको बॉयल किया जाता है और पीएच मीन्स एसिडिक पीएच इसमें मेंटेन किया जाता है और दो मिनट बॉईल करने पे अगर ब्रिक रेड कलर का प्रिस्पिटेट बनता है तो वो मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होता है डाई भी रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा लेकिन अगर हम बहुत ही लंबे समय तक अगर उस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को बॉईल करते हैं क्यूँकी डायसेक रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इसी कारण से हमने बोला इसमें दो चीजें कंट्रोल की जाती है पीएच एंड टाइम ऑफ हीटिंग और इस टेस्ट में रिड्यूसिंग शुगर जो कि सैंपल में प्रेजेंट होता है वो कॉपर का रिडक्शन करता है एसिडिक मीडियम में और ये जो रेड प्रेसिपिटेट है ये क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है तो इस तरीके से हम किसी भी सैंपल में अगर मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो हम बार्फाइड टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बारफाइड टेस्ट स्पेसिफ़िक होता है मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो किस तरीके से स्पेसिफिकली ये बार्फाइड टेस्ट मोनोसेक्राइड्स रेड्यूसिंग शुगर को ही आइडेंटिफाई कर पाता है क्योंकि बारफाइड रिएजेंट वीकली एसिडिक नेचर का होता है इसलिए सिर्फ मोनोसेक्राइड से उसको रिड्यूस कर पाता है और ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आएगा अगर सैंपल में डाईसैक्राइड रेड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा क्योंकि डाईसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर जो है ये वीकर रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं तो ये हो गया बार टेस्ट के बारे में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो